नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 ऐसी पिग की ब्रीड्स जो हमने कंपैरिजन किया एक दूसरे के हिसाब से, वेट गेन की कैपेसिटी के हिसाब से, फेकंडिटी के हिसाब से, उसका ओवरऑल मतलब एक कंपैरिजन है कि उसकी एक डिजीज से लड़ने की क्षमता, उसकी इम्यूनिटी वाइज, मदरिंग क्वालिटी के हिसाब से, मीट के पर्पज के हिसाब से, कारकस कितना वेट गेन करता है उसके हिसाब से, सारे कंपेरिजन को मतलब हमने जोड़ के 6 ऐसी ब्रीड्स में लेके आऊँ जो रैंक वाइज मैं आपको बताऊंगा 6वें, 5वें, 4थे, 3जे, दूसरे और पहले नंबर पर कौन सी ब्रीड आएगी ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से। तो इस वीडियो में प्रॉपरली जो डिस्कस होगी चीज़ें सारी, ये उनको पिग फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पिग फार्मिंग हमें क्या चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा वेट, तो ये प्रॉपरली इसी रेलेवेंस में बनाई गई है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। 6 नंबर पे हमारी जो ब्रीड आती है वो है चेस्टर व्हाइट, जो कि एक यूएसए की ब्रीड है। इस ब्रीड का अगर माना जाए तो ये एक डुअल पर्पस ब्रीड है, मोस्टली ये मीट पर्पस के लिए यूज की जाती है। इसमें अगर मोस्टली फीचर्स की हम बात करें तो बॉडी इसकी लॉन्ग होती है, लेग्स इसके शॉर्ट होते हैं। जो इसका मेन डिमेरिट है वो है ये एक स्लो ग्रोइंग ब्रीड है, मतलब इसका वेट गेन जो होता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रीड्स बहुत स्लो होता है। तो वेट गेन ये कर लेती है, अगर मच्योर की बात करें, मच्योर बो अराउंड 300 केजी तक और 100 250 केजी तक वेट गेन कर लेता है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए पिग फार्मिंग के रेलेवेंस से ये थोड़ी पीछे रह जाती है। अब हम नेक्स्ट ब्रीड की बात करेंगे, जो 5वें नंबर पे पिग की ब्रीड हम रखी है वो है हैम्पशायर। हैम्पशायर ब्रीड को मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर का हैम्पशायर के से, कौन बेहतर है कौन नहीं है। वो अगर नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करें। हैम्पशायर की अगर मैं बात करूँ तो हैम्पशायर एक, आपको पता है, ब्लैक कलर की ब्रीड है, उसमें बेल्टेड स्ट्रक्चर आता है फ्रंट लेग्स का और पीछे से लेके एक बेल्टेड स्ट्रक्चर आता है। इसमें जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो है इसकी बॉडी लॉन्ग होती है, लेग्स इसकी शॉर्ट होती है, टेल हैंग करती रहती है और ईयर्स इसके इरेक्ट होते हैं। वेट गेन की कैपेसिटी इसकी भी अराउंड 300 केजी तक है एक बोर की और 250 केजी तक एक सो की। ड्रेसिंग परसेंटेज अगर बात करें मीट की, मतलब मीट के रेलेवेंस से, वो अराउंड 72% है। तो ये ब्रीड है हमारे 5वें नंबर पे, वो है हैम्पशायर की ब्रीड की बात करेंगे वो है पोलैंड चाइना। पोलैंड चाइना एक ऐसी ब्रीड है जिसको मोस्टली ये ब्लैक कलर की ब्रीड है, लेकिन अगर इसके लेग्स की बात करें, लेग्स की एक्सट्रीमिटीज और स्नाउट की देखें तो वो एक वाइट पैचेस उसमें होते हैं। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंशिएटिंग फीचर है इस पोलैंड चाइना का दूसरी ब्रीड के साथ। ये एक एक्सीलेंट मीट क्वालिटी मतलब बताती है कि इस ब्रीड का जो मीट की क्वालिटी है वो बहुत एक्सीलेंट मानी जाती है। वेट गेन भी इसका बहुत बेहतर होता है। अगर मैच्योर वेट की अगर बात करें तो 300 तक केजी तक ये वेट गेन कर लेती है और बोअर तो अराउंड 350 केजी तक वेट गेन कर लेता है। तो ओवरऑल ये ब्रीड इन कंपैरिजन टू अदर्स ये बेहतर मानी जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडियन कंडीशन के हिसाब से, तो इंडियन कंडीशन के हिसाब से ये इंडिया में ये बेस्ट ब्रीड नहीं मानी जाएगी इन इन केस ऑफ पिग फार्मिंग के लिए, बिकॉज ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो ओवरऑल अगर मैं इसको रैंक दूँ ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से, तो 3rd रैंक में ही आती है, राइट। हम बात करते हैं 3rd नंबर पे जो पिक की ब्रीड है वो है लैंड्रेस। लैंड्रेस अगर कंपैरिजन करें तो दिखने में थोड़ी बहुत लगती है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के हिसाब से, लेकिन ये काफ़ी लीन होती है एज कम्पेयर टू लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। अगर इसके हम फीचर्स की बात करें तो ये एक, इसके में क्या है कि बॉडी थोड़ी लंबी होती है, लेंथ वाइज ये लंबी होती है, स्क्वायर हैम होता है इसका, लूप में ईयर्स होते हैं, लीनर इसका वेट होता है और बैक में जो फैट होती है वो थोड़ी कम होती है। प्रोलिफिकेसी इसकी भी अच्छी है, बच्चे पैदा करने की क्षमता इसकी भी काफ़ी अच्छी है, फीड को अच्छी तरह यूटिलाइज करके वेट गेन अच्छी तरीके से करती है। लेकिन अगर वेट गेन की अगर बात करें तो एक मच्योर सो है जो अराउंड 320 केजी तक वेट गेन कर लेती है और बोअर जो मेल है वो अराउंड 380 केजी तक वेट गेन कर लेता है। इसको बेस्ट इसीलिए माना गया था, एक तो वेट गेन करने की क्षमता और प्रोलिफिकेसी हिसाब से भी, और दूसरा इसका मदरिंग क्वालिटी, ये एक बहुत अच्छी मदरिंग क्वालिटी रखती है, जिसमें कि क्या होता है कि जो बच्चे की रहने की है, मतलब इसको पता होता है मदरिंग एबिलिटी, मतलब अपने बच्चों को, मतलब मोस्टली जो डिलीवरी करने के बाद, फैरोइंग के बाद मादा अपने बच्चों को खुद ही के ऊपर मार देती है, लेकिन इस केस में बहुत कम देखा गया लैंड्रेस के केस में, क्योंकि एक अच्छी मदर क्वालिटी के हिसाब से जानी जाती है। मिल्क प्रोडक्शन भी इसमें अच्छा होता है और ड्रेसिंग परसेंटेज की अगर बात करें मीट की तो वो अराउंड 73% तक है। अब हम बात करते हैं 2nd नंबर पे। 2nd नंबर पे जो पिग की ब्रीड आ रही है वो है ड्यूरॉक, राइट। तो ड्यूरॉक आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखी होगी, मैं अपने फार्म में भी हमने इंट्रोड्यूस की है। ये एक रेडिश कलर की, एक ब्रॉन्ज कलर की ये ब्रीड है, जिसका कि ऑलमोस्ट जो कंपैरिजन लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर से होता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके ये 2nd नंबर पे इसलिए रहेगी क्योंकि एक वेट गेन की कैपेसिटी के हिसाब से फेकेंडिटीज की बहुत अच्छी है, प्रोलिफिकेसी इसकी बहुत अच्छी है। अगर बात करें इसकी एक
नॉर्मली इम्यूनिटी की तो वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ये बच्चे जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है प्रोलिफिकेसी उस हिसाब से भी काफ़ी बेटर मानी जाती है। और FCR इसके केस में काफ़ी अच्छा माना जाता है, ये हाई फीड कन्वर्टर के लिए, फीड को मीट में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी जानी जाती है। तो उस हिसाब से ये FCR की रेशियो हिसाब से देखें, अगर हम ओवरऑल वेट गेन के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी बेहतर मानी जाती है। अगर वेट की बात करें तो ये अराउंड 380 to 400 kg तक वेट दे सकती है, तो ये इसलिए मैंने ये ब्रीड को सेकंड नंबर पे रखा है। अब हम बात करते हैं फाइनली पहले नंबर पे जो अनडाउटेडली ब्रीड आती है वो है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। काफ़ी इसमें दिक्कत की बात है, लेकिन क्योंकि जब भी मैंने जो रिसर्च पेपर्स देखे, जो बाकी कंपैरिजंस करके देखे, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ड्यूरॉक और लैंडरेस में काफ़ी डिबेटेबल था, क्योंकि ये काफ़ी ब्रीड्स, तीनों ब्रीड्स हैं जो कई रीजन में ड्यूरॉक आ गए, कई रीजन में लैंडरेस आ गए, कई रीजन में यॉर्कशायर आ गया है। लेकिन कंसिडरिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस और इंडियन के फीड और न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं टोटैलिटी में, तो नंबर वन पे हमारी केस में फिर भी लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर आ जाती है, राइट। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर का जो कि मोस्टली हमारे इंडिया में ऑलरेडी पिग फार्मिंग हो ही रही है, इसका पता है कि इसके सारे फैक्टर्स देखें, ड्रेसिंग परसेंटेज या प्रोलिफिकेसी, इम्यूनिटी, मदरिंग क्वालिटी, या वैसे ही इसका जनरल, इसका जो मतलब रूटीन वाइज जो वर्क्स है इजी है एज कंपेयर टू अदर ब्रीड के हिसाब से। लेकिन जैसे अगर तो मैं बात करूँ रिसर्च पेपर की, तो उस हिसाब से तो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे फार्म में, जैसे हमने इंट्रोड्यूस पहले किया था ड्यूरॉक किया था, वो कंपैरिजन भी मैं जल्दी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन ड्यूरॉक का हमें जो वेट गेन है, जो हम एक बोरी लेके आए थे, उसका वेट गेन काफ़ी बेहतर मिल रहा है इन कंपैरिजन टू लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। तो ये डिपेंड करता है अभी, क्योंकि जेनेटिक्स भी बदल रही है टाइम के हिसाब से, तो उस हिसाब से जो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ रहा है, माइट बी दैट कैन बी द रीज़न जिसकी वजह से वेट गेन में दिक्कत आई है। सो वो पॉइंट्स को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो कुछ फैक्ट के हिसाब से डिस्कस करूंगा कि ड्यूरॉक और लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर में कौन बेटर है, लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से, करंट जो स्टडीज हुई हैं, जो रिसर्च हुई है, उस हिसाब से नंबर वन पे है जो वो अभी तक लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ही है। तो अगर आपने पिग फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो इन ब्रीड्स के को कंसिडर करके हम देख सकते हैं कि हमारे कंडीशन के हिसाब से, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से कौन सी बेहतर रहेगी। वैसे तो मैंने अपनी एक रानी ब्रीड का भी कंपैरिजन किया था, जो एक हमने असम में जो डेवलप हुई है, जो इंडियन ब्रीड है वो, लेकिन वो इसमें मैंने कंसीडर नहीं की, क्योंकि कई एरिया में वो रानी ब्रीड प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मोस्टली मैंने अपने एरिया के हिसाब से, जो ओवरऑल अगर कोई भी मतलब इंडिया में कोई भी ये वीडियो देखे तो उस हिसाब से उसको बेटर मिल सके। तो ओवरऑल जो कि अगर पिग फार्मिंग में आपको रिकमेंड मैं करने चाहूँ तो वो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर होगा और ड्यूरॉक होगा, राइट। अगर इंडियंस की बात आएगी तो वो इंडियंस के मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन सी बेटर रह जाएगा। वैसे तो काफी ब्रीड्स हैं इंडिया में, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में भी देखिए तो 50 से ज्यादा ब्रीड्स हैं, लेकिन ये जो ब्रीड्स कुछ सामने आई हैं ये सिर्फ स्पेसिफिकली हमारे पिग फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है। तो ये था मेरा एक छोटा सा कंपैरिजन सारी ब्रीड्स का, कौन सी बेहतर है आपके लिए, आप खुद डिसाइड करो इसमें कि कौन सा का बेटर रहेगा। बाकी ड्यूरॉक की प्रॉपर मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा एक बारी के, उसका हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे कैसा वेट गेन रहा। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं, मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।